नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है इस देवी का कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए इनका मंत्र है दधाना कर पद्मा भ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा इस श्लोक में अनुत्तमा का अर्थ जिनसे अधिक उत्तम कोई नहीं ऐसा होता है और अक्षमाला कमंडलु शब्द में दो वस्तु होने के कारण कमंडुलू शब्द के द्विपचन का प्रयोग है इनकी कहानी इस प्रकार से है पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया एक हज़ार वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खा कर बिताए और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे तीन हजार वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया सराहना की और कहा हे देवी आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की यह तुम्हें से ही संभव थी तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं ब्रह्मचारिणी जड़ अपरा ज्ञान परा का स्फुर के पश्चात चेतना का बृहत संचार भगवती के दूसरे रूप का प्रादुर्भाव है यह है जड़ चेतन का जटिल संयोग है प्रत्येक वृक्ष में इसे देख सकते हैं सैकड़ों वर्षों तक पीपल और बरगद जैसे अनेक बड़े वृक्ष ब्रह्मचर्य धारण करने के स्वरूप में ही स्थित होते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के गुणों को अपने अंदर धारण करना ही उनकी उपासना और पूजा है